हेलो स्टूडेंट्स, टेंथ सीबीएसई का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है, इसका एक मेजर पार्ट है एसिड्स एंड बेसिस। इसका मैं आपको एक डिटेल्ड इंट्रोडक्शन देने वाला हूं, जो कि एक डिफरेंस के फॉर्म में होगा, और आपका समझो 40% ऑफ द चैप्टर जो है वो इस डिफरेंस में आपका कवर हो जाएगा। ओके, सो स्टार्टिंग विद द मेजर डिफरेंस, या फिर जो डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर होता है एसिड और बेस का, जो केमिकली जिसको हम एसिड और बेस कहते हैं, वो हम देखते हैं। एसिड उन केमिकल्स को कहते हैं जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन यानी क्या, जिसको वाटर में मिक्स करने पे, यानी अगर हमने इसको वाटर में मिक्स किया कोई भी एसिड को, तो ये क्या फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म एच प्लस आयंस। ठीक है, ऐसे वाले केमिकल को हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। एंड दोस केमिकल्स विच इन देयर एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म OH- माइनस आयंस, इनको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। यानी जो हाइड्रोजन आयन फॉर्म कर दे वाटर में मिक्स करने पे, उसको हम एसिड कहेंगे, और जो केमिकल हाइड्रोक्सिल आयन या फिर OH- माइनस आयन फॉर्म करे वाटर में मिक्स करने पे, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम बेस कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान रहे, फिलहाल हम जो चैप्टर में हमको टेंथ में दिया हुआ है वो मिनरल एसिड के बारे में है। हम यहाँ पर ऑर्गेनिक या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का ज़्यादा डिस्कशन इस चैप्टर में नहीं करेंगे। ठीक है, वैसे ऑर्गेनिक एसिड का आपको अगर एग्जांपल दे दूँ तो उसमें COOH होगा, HCOOH, CH3COOH, C2H5COOH, कार्बन कंपाउंड्स वाले चैप्टर में इसके बारे में हम ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पर मिनरल एसिड की बात कर रहे हैं, जिसका मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ। जैसे H2SO4, what is H2SO4? Yes, sulfuric acid. HCl क्या हुआ, hydrochloric acid. HNO3 क्या हुआ, nitric acid, right? इसके अलावा H2CO3 हो गया carbonic acid, okay? H3PO4 is phosphoric acid. तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ mineral acid के example दे दिए। ओके, अगर हम बात करें बेसिस के एग्जांपल्स की, तो इसमें भी काफ़ी सारे हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आप देख सकते हो कि यहाँ पर OH का प्रेजेंस है। ओके, इस वजह से अभी अब देखते हैं कि एग्जैक्टली OH- आयंस या H+ आयंस कैसे फॉर्म कर रहा है। तो अगर हम H2SO4 को वाटर में मिक्स करें तो ये फॉर्म करेगा H+ एंड SO4 2- आयन। ओके, अगर हम HCl को मिक्स करें वाटर में तो ये फॉर्म करेगा या डिसोसिएट होगा इनटू H+ एंड Cl- आयन। अगर हम बात करते हैं HNO3 की, तो ये फॉर्म करेगा वाटर में जाने के बाद H+ एंड NO3-। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हमेशा ये H+ आयंस जरूर फॉर्म कर रहे हैं। ओके, तो यानी ये ऑब्वियसली एसिड्स हुए। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर बेसिस की, तो जैसे यहाँ पर NaOH है, इनको अगर हमने वाटर में मिक्स किया, सो दिस इज फॉर्मिंग Na+ एंड OH- आयन। ठीक है, अगर हम बात करें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, तो ऑब्वियसली दिस विल बी फॉर्मिंग Mg2+ एंड OH- आयन। तो यानी कि आप देख सकते हो हर बार यहां पर जो OH- है ये फॉर्म हो रहा है इन केस ऑफ बेसिस। अच्छा, इसमें भी स्ट्रॉन्ग और वीक कौन से होते हैं वो देखो, जो मैंने यहां पर आपको ऊपर लिखे हैं इन एसिड्स में, सल्फ्यूरिक, हाइड्रोक्लोरिक या नाइट्रिक, इनमें जब इनको पानी में हम मिक्स करते हैं तो ये ज्यादा H+ आयंस, यानी ज्यादा मॉलिक्यूल्स इसके डिसोसिएट होते हैं, दे फॉर्म मोर एच प्लस आयंस, और ऐसे केमिकल्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे एसिड्स को हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और जो जैसे यहाँ पर मैंने H2CO3 या फिर H3PO4 दिया है, इनको अगर हम वाटर में मिक्स करें तो दे फॉर्म लेस एच प्लस आयंस, इसके लिए ऐसे वाले एसिड को जो ज़्यादा, जिनके मॉलिक्यूल डिसोसिएट नहीं होंगे। समझो ये कह सकते हो कि अगर आपने 100 मॉलिक्यूल डाले तो 30% से भी कम मॉलिक्यूल यहाँ डिसोसिएट होंगे, ऐसे वाले को हम क्या कहेंगे, दे आर कॉल्ड वीक या फिर माइल्ड एसिड। ठीक है, अब ये 30% का क्राइटेरिया आपको वैसे टेंथ में नहीं कुछ ऐसा लिखना,
पर एक जनरल आइडिया दे दिया। वैसे यहाँ पर NaOH और KOH जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है इनमें भी वही चीज़ है कि अगर ये वाटर में मिक्स होते हैं तो दे फॉर्म मोर OH माइनस, इनमें भी डिसोसिएशन ज़्यादा मॉलिक्यूल्स का होता है, इसके लिए इनको आप स्ट्रॉन्ग बेस कह सकते हो। और जो जैसे यहाँ पर नीचे जो एग्जाम्पल दिए हैं इनको वाटर में मिक्स करने पे दे फॉर्म लेस OH माइनस आयन, इसके लिए इनको वीक बेस या फिर माइल्ड बेस कहा जा सकता है। वैसे आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ इस बारे में कि ज़रूरी नहीं कि हमेशा H प्लस आयन फॉर्म हो इन केस ऑफ एसिड। ये वाटर के साथ H प्लस आयन वाटर के साथ ऐड होके मिक्स होके अटैच होके ये H3O प्लस भी फॉर्म कर सकते हैं। तो या तो H प्लस का प्रेजेंस या तो H3O, इसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, तो इसका प्रेजेंस भी एसिड का इंडिकेशन देता है। ओके, और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन अगर यहाँ पर दें तो अगर आप सिर्फ एक सपोज नॉर्मली अगर हमने वाटर लिया है तो वाटर के अंदर भी मतलब हमने कोई एसिड कोई बेस कुछ नहीं मिक्स किया फिर भी इसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होंगे। यानी कि अगर हम H2O की बात करें तो H2O भी स्प्लिट हो सकता है H प्लस एंड OH माइनस आयन के फॉर्म में, यानी प्योर वाटर में भी H प्लस और OH माइनस आयन्स के मतलब प्रेजेंट होंगे। ओके, पर इसमें क्या होता है कि सपोज अगर मान लो कि जो भी हमने सैंपल लिया, अगर समझो 10 ग्राम पानी है जितना भी लिया हुआ है, इसमें मान लो 100 मॉलिक्यूल स्प्लिट हुए हैं, तो 100 मॉलिक्यूल्स का मतलब ये हुआ कि 100 H प्लस आयन्स होंगे और 100 OH माइनस आयन्स होंगे। और क्योंकि यहाँ पर H प्लस और OH का बैलेंस है इक्वल है, इसके लिए हम इसको फिलहाल तो न्यूट्रल ही कहेंगे। ओके, दोनों का आयन्स का बैलेंस है। लेकिन अगर आपने इसमें एसिड मिला दिया तो क्या होगा, आप देख सकते हो H प्लस का नंबर जो है OH माइनस से ज़्यादा हो जाएगा, ऐसे में हम उसको एसिड कहेंगे। ओके, और जब बेस मिलाया जाएगा, एसिड नहीं बेस मिलाया जाएगा, तो उसमें किसका नंबर फिर एक्सीड हो जाएगा, OH माइनस का, इन दैट केस आप उसको बेसिक सॉल्यूशन कहने लगोगे। ओके, तो यानी प्योर वाटर में भी H प्लस OH माइनस है पर वो इक्वल है बैलेंस्ड है, बट वेन यू एड एसिड और बेस तो उसके हिसाब से एच प्लस या फिर OH माइनस का जो नंबर है रिस्पेक्टिवली वो बढ़ जाता है। ओके, तो अगर हम इसके बाद कुछ और डिफरेंस की बात करें तो आपको फिजिकल डिफरेंस एसिड के बारे में ये पता होना चाहिए कि इनका टेस्ट कैसा होता है। इनका टेस्ट होता है सौर, यानी खट्टे होते हैं भाई। तो यानी इसका मतलब नहीं कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो है पी लेना टेस्ट करना है। ओके, बेसिक कोई भी एसिड जैसे कि सिट्रिक एसिड हो गया, टार्टारिक एसिड हो गया, ऑर्गेनिक एसिड की बात कर लो, तो ये सब कैसे हैं, खट्टे होते हैं टेस्ट में। ओके, नींबू का टेस्ट या फिर इमली का टेस्ट, ये सब एसिड की वजह से ही वो खट्टे हैं। ओके, विनेगर, ओके, उसमें कौन सा एसिटिक एसिड है। ओके, अगर हम बात करें बेसिस की तो बेसिस का टेस्ट कैसा होता है, दे आर बिटर, यानी कड़वे टेस्ट के होते हैं। इसके कॉमन एग्जाम्पल्स क्या हैं भाई, जैसे स्लेकेड लाइम जो पान वाले के पास चूना होता है, दैट इज ऑल्सो बेस, या फिर सोप, सोप जो होता है साबुन का सोल्यूशन कोई भी, सो दैट विल बी अ बेस। ओके, तो यानी अगर किसी ने टेस्ट ना किया हो तो कोई दिक्कत नहीं, पर ये जो है बिटर होते कड़वे। आपको एक और कॉमन एग्जाम्पल दे सकता हूँ, बेकिंग सोडा इज अ बेसिक सॉल्ट, तो उसका भी टेस्ट जो है वो बिटर होता है। ओके, कर सकते हो टेस्ट। ओके, फिलहाल इन दोनों का टेस्ट के बारे में आइडिया लग गया, एग्जैक्टली किसको एसिड और बेस कहते हैं ये पता चल गया, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड किसको बोलते हैं ये पता चल गया। अच्छा, अगर प्योर फॉर्म में हम कोई एसिड या बेस ले रहे हैं तो उसको कॉन्सेंट्रेटेड कहेंगे, पर जैसे उसको हम कुछ अमाउंट ऑफ वाटर में, डिफाइंड अमाउंट ऑफ वाटर में मिक्स करेंगे तो हम असल में क्या कर रहे हैं, उसको डाइल्यूट कर रहे हैं। ओके, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन, और डाइल्यूशन में कभी भी जो डिफाइंड अमाउंट ऑफ वाटर है और एसिड या बेस जो भी है उसको आप मिक्स कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि एसिड को ऐसे पानी में पोर कर देना है, ठीक है। इसमें तरीका क्या होता है कि पानी को एसिड में नहीं पोर करना है, आपको एसिड को लेके और धीरे धीरे वाटर में मिक्स करना है और यहाँ पर उसको स्टेयर करते रहना है, ताकि अगर आप पानी को सीधे एसिड में डालोगे तो वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में वो बहुत स्प्लैश उसका उड़ेगा और जो कि एक्सीडेंटल हो सकता है। इसके लिए जब डाइल्यूशन करना है तो एसिड या बेस जो भी है, जिसका भी डाइल्यूट करना है आपको, उस एसिड या बेस को क्या करना है, वाटर में मिक्स करना है, ना कि वाटर को एसिड या बेस में डालना है। ओके, और मिक्स करते हुए उसको स्टेयर, मतलब डालते हुए उसको स्टेयर भी करना है,
ओके, स्लोली वो डाइल्यूशन का प्रोसेस होगा। इसके बाद हम यहाँ पर कुछ इंडिकेटर टेस्ट की बात कर लेते हैं। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा इसके बारे में। इंडिकेटर्स आर दोज केमिकल्स विच हेल्प टू डिटेक्ट नेचर ऑफ अदर केमिकल्स। अब नेचर क्या होता है, ओके, जैसे मान लो हमको कोई भी एक केमिकल दिया है और ये पूछा है कि इसका नेचर क्या है, तो केमिस्ट्री में नेचर का मतलब ये होता है कि वो एसिड है कि बेस है, या एसिडिक है कि बेसिक है, या न्यूट्रल है, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसका नेचर बताती हैं, ओके। तो यहाँ पर इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स वो केमिकल्स होते हैं जो हमको, अगर हमने वो इंडिकेटर किसी दूसरे केमिकल में ऐड किया तो इससे हमको पता लग सकता है कि जिसमें हमने इंडिकेटर को ऐड किया है वो केमिकल एसिड है कि बेस है कि न्यूट्रल है, ये चीज़ें हमको वहाँ पर पता चल सकती है, ओके। सो इंडिकेटर्स आर दोज केमिकल्स विच हेल्प टू डिटेक्ट नेचर ऑफ अदर केमिकल्स, ठीक है, दूसरे केमिकल्स का नेचर बताने में हमको हेल्प करता है। अब इसमें काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे लिटमस है, जैसे टर्मरिक है, ठीक है, इसके अलावा फिनोल्थलीन है, ठीक है, इसके अलावा मिथाइल ऑरेंज है, ठीक है, और भी एग्जाम्पल्स हैं। फिलहाल हम इनका टेस्ट चेक कर लेते हैं कि भाई ये चीजें कैसे बताती हैं एसिड या बेस का प्रेजेंस। जैसे अब मैं सबसे पहले बात करता हूं लिटमस की, तो लिटमस का जो टेस्ट है, दो टाइप के लिटमस होते हैं आपको पता होगा, ब्लू और रेड लिटमस। तो अगर हमको एसिड का प्रेजेंस चेक करना है हमको कौन सा लिटमस लेना होगा, ब्लू लिटमस लेना होगा। तो जो ब्लू लिटमस होता है, अगर आप उसको उस पेपर को एसिड में अगर आप ऐड करो तो वो टर्न हो जाएगा रेड कलर में, ओके। अगर आप बात करते हो बेस के डिटेक्शन की, तो वहां पर कौन सा लिटमस लेना होगा, बेस के लिए आपको रेड लिटमस लेना होगा। और जो कि आपने अगर उस लिटमस पेपर को अगर बेस में ऐड किया किसी भी बेस में, तो वो रेड लिटमस बन जाएगा ब्लू। अब याद रखना आसान है, बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर, बी फॉर ब्लू, ठीक है, यानी लिटमस इसमें ब्लू बन जाता है। एक और चीज, अगर मान लो यहां पर हमने एसिड में अगर हमने रेड लिटमस दिया तो क्या होगा, रेड लिटमस तो रेड ही रहेगा, ब्लू लिटमस भी रेड हो जाएगा, रेड लिटमस तो रेड ही रहेगा। अगर आप बेसिस में रेड लिटमस अगर ब्लू हो रहा है, ब्लू लिटमस लिया तो क्या होगा, ऑब्वियसली ब्लू रहेगा, ओके। इसके बाद अगर हम बात करें टर्मरिक की, तो टर्मरिक में स्पेलिंग इंशाल्लाह हो गई, तो ये जो टर्मरिक है, हल्दी, अगर इसको आप लेमन इसके अंदर मिला के देखो कोई चेंजेस नहीं होंगे, यानी एसिड में इसमें टर्मरिक को अगर एसिड में ऐड किया तो नो चेंज इन कलर, लेकिन अगर उसको बेस में ऐड किया उसमें चूना मिला के देखो आप हल्दी में, उसका कलर हो जाएगा रेड। याद रखना ये चीज, टर्मरिक एसिड में नो चेंज, बेसिस में रेड, ओके। अगर हम बात करते हैं फिनोल्फथलीन की, तो ये फिनोल्फथलीन जो है एक वाटर की तरह ट्रांसपेरेंट ही एक लिक्विड है, ऑब्वियसली घर पे नहीं मिलेगा, केमिकल लैब में मिलेगा, ठीक है। तो ये जो ट्रांसपेरेंट लिक्विड है एसिड में, अगेन फिनोल्फथलीन में भी नो चेंज, पर अगर बेसिस में ऐड करो तो ये बन जाता है पिंक कलर का, यानी फिनोल्फथलीन जैसे ही बेस पे मिक्स करते हो वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर बात करते हैं लास्ट वाला जो दिया था मैंने आपको, मिथाइल ऑरेंज। तो अगर हम बात करें मिथाइल ऑरेंज की, ये एक ऐसा है, अब इन एग्जांपल्स में कि दोनों में अलग अलग चेंजेस दिखाएगा। मिथाइल ऑरेंज को अगर हम एसिड में ऐड करें तो उसका कलर हो जाता है रेड, लेकिन अगर आप बेस में ऐड करो तो इसका कलर हो जाता है येलो। भाई कैसे याद कैसे रहेगा, इसको याद करने का एक ट्रिक भी है,
शायद आप लोगों ने सुना हो, आप लोगों में से काफी लोगों ने सुना होगा। ट्रिक है याद रखने का, माई एप्पल इज रेड एंड बनाना इज येलो। ये क्या ट्रिक हुई सर? माय यानी क्या? मिथाइल ऑरेंज, यानी मिथाइल ऑरेंज में एप्पल, ए फॉर एप्पल और ए फॉर एसिड, यानी मिथाइल ऑरेंज एसिड की प्रेजेंस में बन जाता है रेड, और बनाना यानी बेस, बी फॉर बनाना, बी फॉर बेस, बेस में हो जाता है येलो। ऐसे याद कर लो, ओके। इसके बाद ये नेमोनिक्स जो है साइंस में काफ़ी आपको हेल्प करता है, तो इन चीज़ों का सहारा लिया करो, बनाया करो ऐसी चीज़ें, ठीक है। मैं भी काफ़ी टाइम ऐसे बताते ही रहता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट है, ये सब जो हमने यहाँ पर इंडिकेटर देखे, ये कलर चेंज करके हमको प्रेजेंस बता रहे हैं एसिड या बेस का। इनके अलावा कुछ ऐसे भी इंडिकेटर्स होते हैं जो एसिड या फिर बेस में अगर उनको हम ऐड करें डिफरेंटली, उनका ओडर यानी उनके स्मेल में चेंजेस आएंगे। जैसे कि इसमें अनियन आता है, वनीला आता है, क्लो आता है, ठीक है। तो ये सपोज अनियन का हमने पेस्ट बना लिया और उस पेस्ट को थोड़ा सा हमने एक एसिड के सैंपल में डाला और थोड़ा सा पेस्ट निकाल के हमने उस एक अलग बेस के सैंपल में डाला, तो अब एक नॉर्मल अनियन का जो ऑर्डर है और एक अनियन का पेस्ट जो एसिड के अंदर मिक्स किया गया और एक जो बेस के अंदर मिक्स किया गया, इन तीनों का टेस्ट में डिफरेंस रहेगा। मतलब एसिड में एक अलग टिपिकल ऑर्डर बन जाता है अनियन के पेस्ट का, और बेसिस में एक अलग टिपिकल ऑर्डर बन जाएगा। जैसे यहाँ पर ये कलर चेंज करके एसिड या बेस के बारे में हमको आइडिया दे रहे हैं, वैसे वो ऑर्डर चेंज करके हमको आइडिया देते हैं, क्योंकि वो हमारे ऑल्फैक्ट्री सेंसेस से रिलेटेड है। ऑल्फैक्ट्री का मतलब ये होता है कि रिलेटेड टू स्मेल ऑर्डर, इसके लिए ऐसे इंडिकेटर्स को ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स कहा जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स तो हो गए, इसके अलावा एक और है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर। अगर हम बात करें यूनिवर्सल इंडिकेटर की, तो ये ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो इन सब से, जो मैंने यहां एग्जांपल दिए मोस्टली, इन सबको मिला के यूज करके बनाया जाता है। अब इनका खूबी क्या होता है कि ये ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो सिर्फ आपको एसिड या बेस के बारे में नहीं आइडिया देंगे, आपको ये भी बताएंगे कि अगर वो एसिड है तो वो कितना स्ट्रांग या वीक एसिड है, अगर वो बेस है तो कितना स्ट्रांग या वीक, यानी स्ट्रेंथ के बारे में भी आइडिया देंगे एसिड या बेस का, न्यूट्रलिटी भी बताने में ये हेल्प करेंगे, ठीक है। तो यानी दे आर दोज इंडिकेटर्स विच हेल्प टू डिटेक्ट नॉट ओनली द नेचर ऑफ केमिकल बट ऑल्सो द स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ दैट केमिकल, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल में क्या आता है, इसके एग्जाम्पल में आता है पीएच पेपर। नाउ पीएच यानी पी स्टैंड्स फॉर पोटेंस, और पोटेंस का जर्मन वर्ड है, इसका मतलब है स्ट्रेंथ, ठीक है। यानी किस चीज का स्ट्रेंथ बता रहे हैं, एच मतलब हाइड्रोजन आयन का, यानी अगर हाइड्रोजन आयन बहुत ज्यादा है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था स्टार्ट में कि वाटर के अंदर पहले से एच प्लस और ओ एच माइनस होता ही है, तो अगर एच प्लस आयन का नंबर ओ एच माइनस से ज्यादा है तो यानी एसिड का प्रेजेंस है, अगर एच प्लस कम है ओ एच की कंपेरिजन में तो दैट इज इंडिकेटिंग द बेसिक नेचर, ठीक है। अगर एक नॉर्मल पीएच पेपर की, एक स्टैंडर्ड पीएच पेपर की बात करें तो उसमें जीरो से लेके, दिस इज अ पीएच स्केल इन फैक्ट, ठीक है, यहां पर जीरो से लेके 14 सेगमेंट्स होते हैं, एंड 14, ठीक है। तो यहां पर ऐसे 14 सेगमेंट्स होंगे, और इन सेगमेंट्स का मतलब क्या होगा आपको मैं बता देता हूं, ठीक है। इसमें मतलब पूरा एक कलर रेंज रहेगा, पैटर्न रहेगा, पूरा कलर रहेगा, उसमें अलग सा शेड रहेगा। यहां से अगर हम लिखें तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, तो यानी इस तरह से यहां पर कलर शेड्स रहेंगे पूरे आपके, रिबजोर के रेनबो वाले कलर शेड्स रहेंगे। और अब इसको मतलब कैसे यूज किया जाता है, दिस इज नॉट ऑब्वियसली, दिस इज नॉट अ पीएच पेपर, ये पीएच स्केल है, अलग से आपको पीएच पेपर मिलेगा, ठीक है। तो ये पीएच पेपर जो है, ये स्केल को हमको डिप नहीं करना है एसिड और बेस में, पीएच पेपर ये है, इस पीएच पेपर को हमको एसिड या बेस में जो भी चीज़ें हैं, केमिकल है, उसमें डिप करना है, और उसमें एक कलर चेंज होगा, एक टिपिकल कलर आएगा, उसमें एक शेड आएगा। अब क्या करना है, इसको यहाँ पर इस स्केल से की शेड से मैच करना है। सपोज इसका शेड आके यहाँ पर
फोर पे रुक रहा है सपोज, कि यानी इसका जो कलर चेंज है, जो हमको इसका कलर मिला है वो फोर के कलर से काफी मैच कर रहा है, ओके okay? उसका शेड वहां पे एकदम मैच कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? देखो सेवन यहां पे अगर कलर मैच कर रहा है तो उसका मतलब है न्यूट्रल, एब्सोल्युटली न्यूट्रल, ना एसिडिक ना बेसिक। अगर सेवन से आगे बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या बढ़ता जा रहा है? बेसिक नेचर, यानी सबसे स्ट्रांग बेस आपको 14 पे, सेवन से एट होगा तो वीकेस्ट बेस, नाइन, ऐसे करते करते बेसिक नेचर बढ़ रहा है। स्ट्रांगेस्ट जो है मैच कहाँ पे करेगा? 14 पे। और अगर हम जितना लेफ्ट में जाएंगे उतना कौन सा नेचर बढ़ता जाएगा? एसिडिक। तो यानी अगर इसका जो कलर है वो फोर्थ की शेड से मैच किया, मतलब कि ऑब्वियसली दैट केमिकल वॉज एन एसिड, पर वो स्ट्रांग था कि वीक? येस, ऑब्वियसली फोर पे है यानी कि इट इज़ नॉट दैट स्ट्रांग, इट इज़ अ वीक एसिड आप कह सकते हो, ठीक है। तो यानी पीएच स्केल जो है वो सिर्फ हमको नेचर बताने में हेल्प नहीं कर रहा किसी केमिकल का, इसके अलावा वो उस केमिकल का स्ट्रेंथ भी बता रही, मतलब उसका एसिड या बेसिक स्ट्रेंथ क्या है वो चीज़ भी बताने में हमको हेल्प कर रहा है, ओके okay? तो यहां पर मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया एसिड या बेस के बारे में, ओके okay? नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, हम जो उसका आगे वाला पार्ट है, इनफैक्ट इनका रिएक्शंस है, ठीक है, और सॉल्ट वाला सेक्शन है वो हम देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।